हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज वैसे कोई मेरा फॉर्मल प्लान नहीं था फिल्मिंग करने का, लेकिन मुझे शॉपिंग करनी थी। तो वैसे तो आप लोगों को पता ही दैट मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करता मॉल में फिल्मिंग करने का, बिकॉज सारे मॉल वैसे ही सेम होते हैं, सारी ब्रांड्स भी ऑलमोस्ट सेम ही होती है मॉल्स में, तो कोई फ़ायदा नहीं दिखाने का। लेकिन आज मैं जिस मॉल में आया हूँ उस मॉल में ख़ास बात है बाकी मॉल से गुड़गांव के, और वो ये है दैट दिस मॉल इज़ द ओल्डेस्ट मॉल ऑफ गुड़गांव। मतलब ये मॉल है और इसके सामने भी एक मॉल है। तो इस मॉल का नाम है सिटी सेंटर और सामने वाले का नाम है MGF मेट्रोपॉलिटन। ये दोनों जो मॉल्स हैं दीज आर द ओल्डेस्ट मॉल्स ऑफ गुड़गांव। मतलब 2004 में ये दोनों बने थे, एक साथ ही इनॉग्रेट हुए थे और तब से ऑपरेट हो रहे हैं। ये ओल्डेस्ट हैं, सबसे पहले के। बेसिकली गुड़गांव का जो मॉल कल्चर है वो इन्हीं मॉल से ही शुरू हुआ है, तो यही खास बात है इन मॉल्स की। तो सिटी सेंटर में प्रॉब्लम ये है अब कि पहले तो यहाँ पे अलग अलग तरह की शॉप्स होती थी, मल्टी डिसिप्लिनरी शॉप्स थी, बट अब प्रॉब्लम ये है। प्रॉब्लम क्या, एक लिमिटेशन है कि अब यहाँ पर सिर्फ आपको ज़्यादातर वुमेन क्लोथिंग की ही शॉप्स मिलेंगी, साड़ी सूट्स एक्सेट्रा। सो दैट्स द लिमिटेशन जो कुछ सालों में ही हुआ है, पहले नहीं था, पहले तो काफ़ी एक्सटेंसिव होता था। बेसिकली कोविड के बाद ही इन दोनों मॉल्स की बैंड बज गई, एंड ज़्यादातर जो इफ़ेक्ट हुआ वो ये था सिटी सेंटर, सामने वाला इतना इफेक्ट नहीं हुआ। यहाँ पे तो कोई फूड कोर्ट या कुछ भी नहीं होता था ना, इसलिए इसकी फुटफॉल तो वैसे ही पहले से ही कम थी और बाद में ज़्यादा ही कम हो गई। जो दूसरा है MGF वाला, उसकी फुटफॉल थी, अच्छी थी और अभी भी है, वो इसी वजह से है बिकॉज ऑफ दी फूड कोर्ट। वहाँ का फूड कोर्ट अभी भी पूरी तरह से बचा हुआ है, उसमें एक ब्रांड बंद होती है तो दूसरी खुल जाती है, इसलिए प्रॉब्लम नहीं है। प्लस वो मॉल थोड़ा सा बड़ा भी है ज़्यादा, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट वहाँ पर अलग अलग तरह के स्टोर्स हैं। इस मॉल में जितनी सारी शॉप्स हैं उनमें से कईयों के आगे इन लोगों ने नोटिसेस लगा रखे हैं शॉप ओनर्स ने, कि वो इनसे अभी भी बड़ा ज़बरदस्त रेंट लेते हैं, जो इसकी फ़ुटफॉल के हिसाब से बहुत बेकार डील है। मतलब फ़ुटफॉल है नहीं मॉल की, बेचारे ये शॉपकीपर्स इतना प्रॉफिट कमा नहीं पाते जैसे कि पहले होता था, लेकिन रेंट इन्होंने घटाया नहीं, वो अभी भी उतना ही ले रहे हैं। तो ऑब्वियसली थोड़ा सा अनफेयर ही है यहाँ के शॉपकीपर्स के लिए, यहाँ के स्टोर ओनर्स के लिए, तो वही बात है। इसलिए यहाँ पर नई शॉप्स खुलती नहीं हैं और जो हैं वो बंद हो जाती हैं, तो यही चीज़ अनफेयर है बस इसमें। उस चक्कर में इस मॉल की पूरी जो शोभा थी, जैसे वाइब जो थी, वो पूरी डल हो गई, पूरी ख़त्म हो गई। अब देखो ये जो स्टेयरकेस है इसको ऐसे बंद हुए, जिस पे लिखा वर्क इन प्रोग्रेस, ऑलमोस्ट 1 ईयर होने वाला है ऐसा लिखा हुआ। तो मैंने एक गार्ड से बात की, मैंने उसे पूछा कि ये कब तक कंप्लीट होगा भाई, तो ही सेड कि ये इनिशियली 1 या 2 महीने में कंप्लीट होने वाला था और अब सोचो 12 महीने होने को है। तो उसी से पता लगता है कि इस मॉल की एक मेंटेनेंस की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो अब ख़त्म हो गई है, ओनर्स को भी कोई मतलब नहीं है मेरे ख्याल से, तभी रेंट भी नहीं कम हुआ होगा। एंड ये देखो ना, एक तो इतनी बड़ी ट्रबल है ये, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर जाने में प्रॉब्लम होती है लोगों को, या तो फायर एस्केप से जाना पड़ता है या फिर दे हैव टू टेक द लिफ्ट, वो भी एक फ्लोर जाने के लिए, तो ये कन्वीनियंस थोड़ी ना है। वही है नेग्लिजेंस है जो मैनेज करता है ये मॉल उनके। अब ये सिटी सेंटर जो मॉल है ये सिर्फ इसलिए बचा हुआ है बिकॉज ऑफ दीज वेमेन क्लोथिंग स्टोर्स, या यहाँ पे कृति क्रिएशंस है जो आपके फेंग शुए वास्तु ये सब टाइप के डेकोरेशंस और प्रोडक्ट्स दैट यू वांट टू परचेज, इन सब के लिए है ये स्टोर। या फिर यहाँ पे बरिस्ता है एक इतने साल पुराना, या फिर यहाँ पे होम सेंटर है। होम सेंटर में सारे होम शॉपिंग, होम डेकोरेशंस, शो पीसेस, ऑल दीज थिंग्स इसके लिए। होम सेंटर बेसिकली लाइफस्टाइल का ही एक पार्ट है, तो बस ये इन्हीं की वजह से चलता है। और एक हाँ, यहाँ पे सिनेमा है PVR बस। और ये मॉल में मैं देखता हूँ सारे स्टोर्स खाली पड़े हैं,
मतलब देर इज़ नो कस्टमर इन देयर। बेचारे स्टोर ओनर्स और उनके जो भी सेलर्स हैं, सेल्समैन हैं, वो सब मक्खी मार रहे हैं, ऐसे ही बैठे हैं, फुटफॉल ही नहीं है ना। तो चलो, इस मॉल की तो बहुत बातें होगी, अब ज़रा MGF की भी बातें कर लें। सो लेट्स गो देयर। सो दिस इज़ दी MGF मेट्रोपोलिटन, एंड आते ही इसमें आपको डिफरेंस दिख गया होगा। क्रिसमस की ज़्यादा डेकोरेशंस हैं, न्यू ईयर्स की, और थोड़ा ज़्यादा अच्छी तरह मेंटेन्ड है, सजा हुआ है ये मॉल, और यहाँ पे फुटफॉल ज़्यादा है। कहते हैं ना जैसे दिस इज़ नॉट अ डेड मॉल, यहाँ पे फिर भी लोग आते हैं। ये वाला जो वीडियो है, आई नो दैट मैं अपने कन्वेंशनल तरीके से नहीं शूट कर रहा हूँ, मैं अपने आप को नहीं दिखा रहा हूँ, आपको सिर्फ नरेशन कर रहा हूँ। इवन तो मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी वीडियो बनाऊँ, जो भी नरेशन करूँ, उसमें मैं दिखूँ वीडियो में, मतलब आप मुझसे बातें करो या ऐसा लगे दैट आई एम एक्चुअली स्पीकिंग टू यू। बट इस वाले में ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, उसका रीज़न यही है कि मैं यहाँ पर बेसिकली फिल्मिंग करने नहीं आया था, मैं तो यहाँ पर अपनी शॉपिंग करने आया था, और अभी मेरे हाथ में बहुत सारे बैग्स हैं, तो मैं ठीक से दिखा नहीं पाऊँगा आपको। ऊपर से मैं थक भी गया हूँ, काफ़ी देर से यहाँ पे हूँ, सो पॉसिबल नहीं हो पाएगा मेरे लिए व्लॉग जैसा बनाना। इवन दो मैं प्रेफर तो यही करता हूँ कि आपसे बातें करूँ, जो भी बोलूँ कैमरा में देख के बोलूँ, सो दैट लगे कि आई एम डायरेक्टली टॉकिंग टू यू, आई एम इंटरेक्टिंग विद यू गाइज, बट इस वीडियो में पॉसिबल नहीं हो पाएगा, सॉरी अबाउट दैट। अदरवाइज नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उससे मैं फिर वही प्रॉपर फिल्मिंग ही करूँगा, रिज्यूम अपनी, और उसके बाद के वीडियोस भी ऐसे ही होंगे। आई नो दैट इस वेंसडे को वीडियो आ नहीं पाया बिकॉज वंस अगेन आई वॉज रियली बिजी विथ शॉपिंग एंड एवरीथिंग, और इसका रीज़न मैं आपको बताऊँगा कि मैं शॉपिंग क्यों कर रहा हूँ इतनी सारी, ये भी एक अपडेट दूँगा मैं, अभी नहीं, थोड़े दिन बाद एक वीडियो में। सो या प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग, मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस मिलता है कि मैं जो भी चीज़ें बना रहा हूँ, जो भी शूट कर रहा हूँ, पीपल आर अप्रिशिएटिंग दैट, पीपल आर वॉचिंग दैट, सो थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। ओके, आई विल सी यू सून, बाय बाय।